हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया के स्वाद। आज हम लाने जा रहे हैं एक बहुत ही लाजवाब और आसान और यूनिक रेसिपी, जो है रोटी पोहा, जिसे हम बनाएंगे घर में बची हुई रोटियों से। तो चलिए बनाते हैं रोटी पोहा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने जो ये रोटियां है जिसे मैंने सुखा लिया है। कैसे सुखाना है दोस्तों, बस आप प्लेट में रख के उसे खुला रख दीजिए 1 से 2 दिन के लिए, तो ये सूख के बिल्कुल पापड़ जैसी हो जाएगी। तो ये कितने दिन में सूखेगी ये डिपेंड करेगा कि आपने रोटियों को पतली बेला है या मोटी बेला है। तो अगर पतली रोटियां हैं तो 1 दिन में सूख जाएगी, और अगर थोड़ी सी मोटी रोटियां हैं तो उसे 2 दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये गर्मियों में बनाने की रेसिपी है, इसे आप बारिश में और ठंड में मत बनाइएगा, वरना रोटियों में से स्मेल आ जाएगी। तो आप देखेंगे जो रोटियां सूख के कितनी क्रिस्प, बिल्कुल पापड़ जैसी हो गई है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी मैं, या तोड़ लूँगी रैंडमली, क्योंकि आप इसे किसी कटर से नहीं काट सकते दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है। आप इसको इसे जितना बड़ा या छोटा रखना है टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैंने रोटी को इसी तरीके से पोहे का शेप दे दिया है। अब हम इसे बनाते हैं। मैंने एक मोटे बेसिक कढ़ाई ली है, जिसमें मैं डालूँगी 2 छोटा चम्मच घी, और जब घी गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूँगी 1/2 छोटा चम्मच जीरा, और जब जीरा चटक जाएगा उसमें डालूँगी 1 चुटकी हल्दी पाउडर और करी पत्ता, और करी पत्ता चटकने के बाद में मैं इसमें डालूँगी 1 प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और हम प्याज को भूनेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह मटर या टमाटर कुछ भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 आलू, दोनों भी मीडियम साइज़ के लिए है मैंने आलू और प्याज, और आलू को भी हम भून लेंगे हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमें इसे खड़ा खड़ा ही रखना, एकदम पकाना नहीं आलू को। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आलू और प्याज का कॉम्बिनेशन लिया है। आप चाहे तो आलू प्याज मटर ले सकते हैं, सिर्फ प्याज और मटर ले सकते हैं, मटर टमाटर ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं इनकी जगह। अगर ये सब कुछ भी नहीं है घर में, तो मैं इसका एक और आपको ज़बरदस्त ऑल्टरनेटिव बताऊंगी आगे वीडियो में। आलू भुन चुके हैं, मैंने यहाँ पे लिया है 3/4 कप पानी, क्योंकि तकरीबन 3 कप रोटियाँ हैं ये। फिर मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हल्दी पाउडर और नमक, बिल्कुल पानी जितना है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी रोटी में नमक है। आलू और प्याज के अंदर डाल देंगे हम पानी को, और हमें पानी को अच्छे से खौलाना है। तो जब पानी खौल जाएगा हम इसमें डाल देंगे रोटियों को, और हम इसे स्टर कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इसका उपमा बनाना है तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए, पर हमें इतना ही डालना है, और जितना कि रोटियाँ कोट हो जाए उसमें से। तो मैं आपको बता रही थी ना ऑल्टरनेटिव सब्जियों का, आप इसमें पापड़ डाल लीजिए, लज्जत पापड़ नहीं, दूसरा कोई भी पापड़ चलेगा, जो उड़द की दाल का बना हुआ हो या कोई भी दूसरी दाल का, बस लज्जत का मत लीजिएगा और इसमें डालिए। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लाजवाब कॉम्बिनेशन लगेगा, और 10 मिनट में इतने बढ़िया पोहे बनकर तैयार होंगे। के पकाएंगे हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट बाद में आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया पोहे बनकर तैयार है। अब मैं फ्लेम को बंद करके इसमें डालूंगी 1/2 नींबू का रस, अगर आपको नहीं पसंद है आप ओमलेट कर सकते हैं। और फिर मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटे हुए धनिया पत्ती, और स्टर करके ये रेडी है गर्मा गर्म रोटी पोहा। आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी सर्व कर सकते हैं, आप इसकी चाट बना के खा सकते हैं, चटनियाँ डाल लीजिए, बारीक कटा हुआ प्याज और सेव डाल लीजिए, बहुत बढ़िया लगता है। दही के साथ खा लीजिए, या ऐसे ही खाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है। चाय के साथ खा लीजिए, है ना, ये जैसे कहावत है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, तो बिल्कुल ये मुहावरा यहाँ पे जचता है। तो आप भी रोटी पोहा को ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।